Hey guys, मैं उसे चलेगा और आज की इस वीडियो में एगाथा ऑल अलोंग के फिनाले से पहले मुझे लगा एक थ्योरी मैं शेयर करता हूँ। बड़ी मस्त थ्योरी है, मैंने कहीं पे पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है। अगर तुम्हें मतलब पता चले तो कमेंट्स से बताना जरूर। ये थ्योरी बहुत ही मस्त है, पूरी सुनना, थ्योरी है पूरी सुनना, बहुत मजा आएगा। और तुम्हें लगता है कि अगर एक्चुअली में इसमें कुछ सच्चाई है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और ये धूप पता नहीं कहाँ से आ रही है, ठीक है। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो थ्योरी के हिसाब से 1700 में एगाथा ने अपने बेटे निकोलस स्क्रैच के साथ मिलके एक स्कैम बनाया था जिसका नाम उन्होंने दिया था विचेस रोड, ठीक है। इस स्कैम के द्वारा जो है, जो हमारी एगाथा है ना, वो सारी की सारी विचेस की पावर लेती थी। तो बेसिकली सारी की सारी जो विचेस है ना, जो हमने सीन ट्रेलर के अंदर देखे हैं जहाँ पर विचेस की पावर जो है वो एगाथा ले रही है, वो एक स्कैम है। स्कैम जैसे तुम सोचोगे स्कैम का मतलब क्या है, स्कैम का मतलब ये है कि जो विचेस रोड है ऐसी कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी एगाथा के अकॉर्डिंग। मतलब एगाथा को पता तो था कि कोई ऐसी विचेस रोड नाम की चीज़ है, बट वो एग्जिस्ट नहीं करती थी क्योंकि एगाथा के पास इतनी पावर नहीं थी कि एक्चुअली में वो विचेस रोड को एक्सेस कर पाए। तो जितनी भी विचेस को वो लेकर आती थी ना कि चलो मैं तुम्हें विचेस रोड लेकर चलती हूँ, उसके एंड में हमें पावर मिलेगी, बहुत सारी पावर मिलेगी, ये उसका और उसके बेटे का एक स्कैम था। जिसके तहत क्या होता था, वो विचेस को लेकर आती थी, रोड पे चलाती थी एक नॉर्मल, और एंड में कुछ करके ऐसा, मतलब कुछ उनको भड़का के या कुछ ना कुछ ऐसा करके उनका अटैक जो है अपने ऊपर करवाती थी और उनकी जो पावर्स है वो ले लेती थी। अब इस कंक्लूजन पे मैं कैसे पहुंचा हूं ये, तो फर्स्ट एपिसोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना जो हमारा बिली है जब वो एगाथा से मिलता है, तब एगाथा और सारी सारी जो विचेस है वो तैयारी करती है विचेस रोड को खोलने की। और एगाथा ये बात बोलती है कि मैं ऑलरेडी जो है विचेस रोड पे चल चुकी हूँ। यहाँ तक कि ड्रेडिट के ऊपर भी ये लिखा होता है कि एगाथा जो है वो अकेली ही सर्वाइवर है विचेस रोड की। क्यों? क्योंकि विचेस रोड पे कोई चला ही नहीं है, और ये जो रूमर है, ये जो स्कैम है, ये एगाथा ने ही शुरू किया था। इसलिए अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन है ड्रेडिट के ऊपर वो इसी बारे में है कि एगाथा के साथ जो भी चला कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एगाथा के साथ जो भी चला वो सर्वाइव नहीं कर पाया, बट वो रोड पे नहीं चला। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि जो विचेस रोड है ये एक स्कैम था उस टाइम में। अब आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं सारी की सारी विचेस को इकट्ठा करके, मिसेस हार्ट हो गई, हमारी एलिस हो गई, साथ साथ हमारी लिलिया हो गई, ये सारी की जैन हो गई, ये सारी विचेस को इकट्ठा करके जो हमारी एगाथा है ना वो गाना गाना शुरू करती है, ठीक है। जब वो गाना गाना शुरू करती है तो ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि विचेस रोड का दरवाजा जो है वो यहाँ पे खुलने वाला है। बट आप ये बात नोटिस करना कि जब वो सारे के सारे रूम में साथ में होते हैं तब विचेस रोड का जो दरवाजा है वो नहीं खुलता। बिली जो है वो ऊपर जाता है, एगाथा उसको ऊपर भेज देती है कि जाओ ऊपर जाओ और देखता रहे, और मतलब वो चाहती है कि वो उसके साथ ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये बात समझती है कि पहले तो मेरे पास एक पार्टनर था जो मेरा बेटा था निकोलस स्क्रैच, अब वो मर चुका है, तो शायद ये जो स्कैम है ना ये दोबारा मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जब टीर उसके पास आता है बोलता है मुझे विचेस रोड जाना है, तो एगाथा ये सोचती है कि विचेस रोड मैंने सुना तो था लेकिन विचेस रोड पर तो कभी चली ही नहीं, तो ये लड़का क्या बोल रहा है, क्या एक्चुअली में ऐसा हो सकता है कि विचेस रोड पर हम जाएं। और उसको ये बात ऑलरेडी पता है कि ये जो लड़का है, मतलब ये जो टीन है, ये स्कारलेट विच का बेटा है। मतलब अभी तक हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था, ठीक है। The witch's road. I want you to take me there. Please. The witch's road doesn't exist. You're lying. फिर हम देखते हैं बिली जो ऊपर चला जाता है और एगाथा जो है अपनी सारी की सारी सिस्टर्स के साथ मिलकर गाना वगैरह गाती है, तो विचेस रोड का दरवाजा खुल जाता है। लेकिन एक सीन में, जो कि पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, एक सीन में हमने ऑलरेडी दिखा है कि ये जो दरवाजा है ये बिली खोलता है। तो एक्चुअली में एगाथा के साथ जो सारी के सारी विचेस है, जब वो गाना गा रही थी विचेस ऑफ द बैलेड रोड गा रही थी, तो एक्चुअली में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये जो दरवाजा खोला है ये बिली ने खोला है। इसका मतलब ये है कि एगाथा जो है वो कभी भी विचेस रोड पर नहीं गई थी और ये उसका फर्स्ट टाइम है, और उसको एक्सेस करने के लिए बिली ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, जो कि मैंने एक मिड सीजन ट्रेलर के अंदर भी तुम्हें बताया था कि इसका जो दरवाजा है वो बिली ने खोला है और किसी ने नहीं खोला। अब आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। तो अब जैसे ही सारी की सारी जो विचेस है वो अंदर चली जाती है विचेस रोड के, तब आप देख सकते हैं कि एगाथा अंदर घुसती है और एगाथा सबको टच करती है। वो टच क्यों करेगी? क्योंकि उसके हिसाब से ये चीज नहीं है, उसको नहीं पता ये क्या है। वो देख रही है कि ये सब चीजें क्या है, मैंने तो कभी देखी नहीं है ये सब चीजें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस सीन को अगर आप गौर से देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एगाथा इस रोड पे कभी गई नहीं थी। उसके बाद जैसे ही वो सारे के सारे रोड पे पहुंच जाते हैं, एगाथा जो है जिसको पता होता है कि जूते वगैरह निकालने वो निकाल दिए और रोड पे चलना शुरू कर दिए, उसको किसी भी ट्रायल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर वो एक्चुअली में विच रोड पर चली होती तो उसको ट्रायल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती, बट कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको नहीं है क्योंकि वो कभी चली ही नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे रूल बनाते चलती है, वो बोलती चलती है कि चलो इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे। फर्स्ट ट्रायल जो का होता है जहाँ पे वो वाइन वगैरह पीते हैं ना, तो एगाथा को कुछ भी नहीं पता इस ट्रायल के बारे में, इसलिए वो इस ट्रायल पर भरोसा ही नहीं करती, वो अपनी वाइन को फेंक देती है। जब बिली इसको प्रेशर करता है कि वाइन पी वाइन पी वाइन पी, क्योंकि बिली ये बात जानता है कि अगर ये वाइन नहीं पिएगी तो ये आगे रोड पे हम चल नहीं पाएंगे और एंड तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए एगाथा को फोर्स करता है। लेकिन एगाथा जो है अपने इसी तरह से सारी की सारी चीज़ें करके एक तरह से लोगों को लूल बना रही है। अब थर्ड एपिसोड में या फोर्थ एपिसोड में अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो वहाँ पर पता चलता है कि जो हमारी लेडी डेथ है रियो और एगाथा जो है वो मिलकर बात कर रही होती है, तो लाउड स्पीकर वो ऑन कर देती है। अब उनकी कन्वर्सेशन यहाँ पे क्या है, इनकी कन्वर्सेशन यहाँ पे ये है कि वो बोलते क्या करने वाली हो, तो बोलता है कि वो एगाथा वहाँ पे बोलती है कि मैं विचेस की पावर ले लूंगी और तुम्हें बॉडीज मिल जाएंगी। तो ये है एक्चुअल प्लान, एक्चुअल प्लान यही था कि एगाथा जो है ना वो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे वो विच रोड पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, बेसिकली उसका काम यही है कि वो अगली विच की पावर जो है वो लेना चाहती है। और ये उसके साथ में हमेशा इसलिए चलती है क्योंकि जहां जहां एगाथा गई है ना वहां वहां लोग मरे हैं और वहां पर रियो को उसकी बॉडी मिलती है, मतलब बहुत सारी बॉडी जो है वहां पर रियो को बहुत सारी बॉडीज मिल जाती है और इसलिए वो उसके साथ रहती है। You get your power, and I get my bodies. सासर, अगर बात करें निकोलस स्क्रैच की रहा, तो निकोलस स्क्रैच जो है उस वाले एपिसोड में जहाँ पे वीसी बोर्ड का इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं कि लिलिया बोलती है, अभी हमने डेविनेशन लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलिस डोंट ट्राई टू सेव एगाथा, मतलब एगाथा को बचाने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम मर जाओगी। लेकिन एलिस जैसे उसको बचाने की कोशिश करती है तो एगाथा जो है उसकी पावर ले लेती है। तुरंत हमें आवाज़ सुनाई देती है निकोलस स्क्रैच की जो कि बेबी फॉर्म में होता है और बोलता है कि मॉम स्टॉप, क्योंकि निकोलस स्क्रैच जो है वो थक गया था ये स्कैम करते करते, लेकिन एगाथा थकी नहीं थी। तो एगाथा को बोलता है मां रुक जा, फिर वो रुक जाती है। निकोलस स्क्रैच, तो यहां पे मेन बात क्या चल रही है कि एगाथा ने ना ये स्कैम इन्वेंट किया था जो कि अपने बच्चे के साथ वो कर दी थी। जब बिली उसके पास आया कि चलो विचर रोड पे चलता है, तो उसने सोचा विचर रोड नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे। और एक्चुअली में जब विचर रोड खुल गया, जब बिली ने खोला, तब एगाथा बिल्कुल हैरान रह गई कि एक्चुअली में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। फिर भी उसका प्लान वही था कि भाई मैं सारे के सारे विचेस को उस रोड पर लेके जाऊंगी, इनकी पावर जो है वहाँ पर ले दूंगी। और एपिसोड की शुरुआत में भी हमें देखने को मिलता है किस तरह से वो सारे के सारे विचेस को प्रोवोक कर देगी, भाई अपनी पावर दे, अपनी पावर दे। तो लिली वहाँ पर समझ जाती है कि ये हमें यहाँ पे सिर्फ पावर लेने के लिए लेकर आई है, क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती है। This is a power grab. She wants us to attack her. What? You brought us here hoping our proximity, coupled with your cruelty, would get you a spark you could steal. You had no intention of bringing us on the road. It's not my fault. Only a true coven can open the door. Right? और जो निकोलस क्रैश था वो बेचारा जंप मर गया था और रियो ने उसकी बॉडी ले ली थी, और इसलिए एगाथा जो है वो रियो से एक तरह से हेट करती है, और वो चाहती नहीं थी कि विचेस रोड पे रियो आए क्योंकि रियो की पावर वो ले नहीं सकती, और इसलिए ही वो रियो से उससे ज़्यादा खिलसती है क्योंकि रियो एक ऐसी विच है जिसको वो अभी तक हरा नहीं पाई, बिकॉज शी इज डेथ। तो आने वाले दो एपिसोड में, जो कि अभी थर्सडे वाले दिन दो एपिसोड का फिनाले है वो हो जाएगा, इन दो एपिसोड में क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि हमें फाइनली दिखाया जाएगा बैक स्टोरी। और बैक स्टोरी में क्या होगा कि एगाथा जो है ना वो पुरानी विचेस को पागल बनाती थी, वो बोलती थी कि चलो मैं तुम्हें रोड पर लेके चलूंगी, और रोड पर ले जाने के बाद वो उन पर हमला करती थी और उनसे हमला करते वक्त उनकी पावर जो है वो क्रैप कर लेती थी। इसी ग्रैप के चक्कर में जो उसका बेटा है वो मरा था, और इसलिए जो एगाथा है ना वो अपने बेटे के दुख को मनाती रहती है, और उसका बेटा तब भी बोलता था कि मां रुक जा ये काम मत कर, छोड़ दे ये सब, लेकिन उसकी पावर हंगर इतनी हो गई थी कि वो बिल्कुल भी अपने बेटे की बातें सुनती थी। जब उसका बेटा मर गया तो रियो ने उसकी बॉडी ले ली, इसलिए वो रियो को हेट करती है, और ये सारा का सारा जो स्कैम है ना ये अभी दोबारा चल रहा है ताकि एगाथा जो है वो अपनी पावर को ले पाए। तो या आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, दोबारा मैं बता रहा हूँ ये एक थ्योरी है और इसको थ्योरी की तरह ही लेना, तभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टोरी में सच्चाई निकल सकती है, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने देखी है ना, एगाथा को रोड के बारे में कुछ पता नहीं है, और बिली जो है वो सब कुछ बता रहा नहीं है, रियो सब कुछ जानती है, तो लास्ट के दो एपिसोड में पता चलेगा। राइट, ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपसे चलेगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।